भाई देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है। मुझे कोई हेलो लू 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 नहीं बोलना बिल्कुल भी। आई एम सॉरी। अब सुनो, मेरा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ कि पिछली वीडियो में आपने देख लिया कि भाई हम पहुंच गए ढंकर, मैं और दीप्ति अपनी डिस्कवर की बाइक से पहुंच गए भाई ढंकर पहुंचे। अगले दिन हमने करी ट्रैकिंग ढंकर लेक की। ट्रैकिंग में हमारा बज गया बैंड और लेक देख के जी खुश हो गया बहुत। वापस ढंकर आए, बाइक उठाई, फिर भाग गए हम आगे। आगे कहाँ भागे वो बताएंगे। अच्छा जी, अब हम करते क्या है कि रोजाना हम अपने कैमरे से, कैमरा हमारे पास गोप्रो, तो भाई कैमरे से उठा के हम वीडियो डालते हैं हार्ड डिस्क में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, 1-2 TB की है। तो जी हार्ड डिस्क में सेव करने के बाद हम कर देते हैं गोप्रो से डिलीट। गोप्रो से डिलीट कर दी, हार्ड डिस्क में सेव कर दी, भाई बात खत्म। तो उसी चक्कर में मेरी बुद्धि होगी एक दिन खराब, मुझे पता नहीं चला। पता चला आज जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा कि मैंने कैमरे की बजाय हार्ड डिस्क से डिलीट मार दी। मतलब पहले कैमरे से डिलीट मारी, फिर भाई हार्ड डिस्क, मेरी बुद्धि होगी खराब, मैंने हार्ड डिस्क भी डिलीट मार दी। और यार मेरी ना पूरी ट्रैकिंग की वीडियो इतनी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन वीडियो थी भाई, इतनी घनी बेहतरीन वीडियो सारी की सारी होगी डिलीट। तो भाई आई एम सॉरी, मेरा हो रहा है दिमाग खराब। तो मैं थोड़ा सा एक दूसरे कैमरे से, कुछ मोबाइल से हमने कुछ फोटो वीडियो बनाए थे छोटे छोटे, वो ज़्यादा किसी काम के तो है नहीं, बट फिर भी म्यूजिक के साथ उन्हें देख लो, सारा भी टाइम कट जाओगा, मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली सी हो जाओगी। ये दिख गया भाई सामने लालुंग गांव। पहले चलते हैं मोनेस्ट्री, उसके बाद देखते हैं क्या है। लालुंग यार बड़ा प्यारा गांव है और नीला आसमान। इसमें ना कोई वीडियो में हम कोई एडिटिंग पैरिटिंग नहीं करते, जो कुछ दिखता है बस वही 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 वही। सीधे जा रहे हैं लालुंग मोनेस्ट्री, लेफ्ट में जा रहे हैं काजा और रामा। मोनेस्ट्री कहाँ है ये? ये तो ताला लगा हुआ है इसमें, तो आग गया होगा इसका कहीं गेट। यहाँ तो कोई आदमी ना आदमी की जात कुछ भी ना दिख रहा, हवाई हवा चल रही है बस। ये है भाई मोनेस्ट्री, इसे बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, है नहीं? मोनेस्ट्री है क्या है? लग तो मोनेस्ट्री सी रही है ना भाई। हाँ भाई, भाई देखो है तो यही लालुंग मोनेस्ट्री, लेकिन यहाँ पे ना अंदर जाने का वो ताला लगा हुआ है। हमने ना पूरी परिक्रमा कर ली मोनेस्ट्री की बाइक से, ऐसे चारों तरफ ना इसकी सड़क बनी हुई है। और यार अंदर जाने का इसका कोई रास्ता तरीका नहीं दिख रहा, कोई लामा लामा जी भी नहीं दिख रहे, कोई कुछ भी नहीं है। तो भाई हम तो बस यहीं से फ़ोटो खींच के और चलते हैं अपने वापस। भाई हम आए थे सामने वाली रोड से, अब जाना हमें इधर इधर वाली रोड पे जाना है काजा की तरफ। वैसे तो वो भी काजा जा रही है, पर क्या है कि कुछ नया देखेंगे ना, नया देखेंगे कुछ इको फ्रेंडली। हाँ कुछ होम स्टे वगैरह भी है भाई यहाँ पे। अब देखो सामने ही तो है, वो सामने वाला ही तो है भाई, होम स्टे भी है। हमें तो नहीं रुकना, बट आप कभी आओगे तो रुक सकते हो। देखो भाई डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं रास्ते, तो इसलिए डेस्टिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लालुंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लालुंग पहुँचने का और लालुंग से जाने का रास्ता इम्पोर्टेंट है। हम अभी किसी और रास्ते से आए थे और अब जा रहे हैं हम किसी और रास्ते से। उम्मीद है कि आपको पहले की तरह अभी भी अच्छा लगेगा, और ये भी उम्मीद है कि हम आप लोग हमें धिक्कारेंगे नहीं, आगथू नहीं कहेंगे कि लालुंग में अंदर जाना था। ये हमारे राइट साइड में है जी लिंगती नदी,
और अभी हम काफी नीचे उतर के लिंगती नदी का पुल पार करके और लिंगती के दूसरी तरफ चलेंगे। ऐसी बात है तो फिर तो मैं निकाल दूंगा। अरे रुक जा, ऐसी बात है भाई तब तो मैं निकाल दूंगा। अबे नहीं निकलेगी भाई, अरे छोड़। हाँ नहीं नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हाँ ऐ हाँ बड़े वाले की वजह से मैं रिस्क ना ले रहा भाई, रहन दो रहन दो। कर तो रहे भाई ये लोग भी कुछ। चल जब इतना हो रहा है तो निकलेगी बाइक, थोड़ी देर वेट कर लेंगे। यार इधर ये खड़ा है ना, बिल्कुल ढलान है इधर, ये रिस्की मामला इधर। चल यार जब बेचारे ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं करके, मैं तो वापस ले जाने वाला था क्योंकि यहाँ पे ना ओए जरा सा भी अगर गड़बड़ हो गई ना नीचे गिरेंगे। चलो ये लोग भी बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं, मारते हैं ट्राई। चलो काफ़ी चौड़ा रास्ता इन्होंने बना दिया है। आराम से निकाल लूँगा, काफ़ी चौड़ा बना दिया बट इतने में तो मैं निकाल दूंगा। हाँ हटो सामने से, हट जाओ सामने से। अबे निकल गई, हटो हटो। और निकल गई भाई, बैठ जा भाई। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई, मजा आ गया भाई, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्या बात। दो चार पत्थर हटाने थे पर इन्होंने ना हटा हटा के काफी चौड़ा रास्ता बना दिया। अबे तुमने बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया था, इतना चौड़ा, अन्य तो वहां जगह ना थी बिल्कुल भी। उसने भी पत्थर फोड़ दिया एक, इस वजह से काम बन गया, नहीं तो काम ना बनता, वापस जाते हम। चल तू बैठ अब। मजा अच्छा तुझे पत्थर फेंक तो मजा आ रहा था, जा तो फिर और फेंक ले, मैं रुक लूंगा यही। ये आ गया भाई लिंगती नदी का पुल। अबे कितना काला पानी है, इसका भी वही चक्कर है जोन सा ग्यू वाली नदी का था, पीछे से काली चट्टाने होगी ना तो इसका पानी भी काला ही आ रहा है। ये पहुंच गए भाई काजा वाली मेन रोड पे, ये क्या लिख रखा है, सोनम होम स्टे लालुंग 10 किलोमीटर, यानी कि हम उधर से आए हैं, लेफ्ट में पहुंचेंगे ताबो शिमला शुमला, ठीक है भाई, और राइट में हमें मुड़ना है काजा के लिए। मतलब कि आज हम काजा नहीं जा रहे, हम जाएंगे आज पिन वैली, लेकिन पिन वैली का पुल जो है ना दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे जाके है। अरे कुछ खाने का देखती चलिए, डोलमा ढाबा देखिए कुछ है क्या, माजा हो जाओ तो माजा भी ले लेंगे, कम से कम मिठी तो होती है।
इस टाइम ना भाई हमें ना हल्की हल्की भूख सी लगने लगी थी, मतलब कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत महसूस हो रही थी। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए रोटी वोटी तो यहाँ क्या मिलनी है, चावल भी किसी के पास रेडी नहीं होते, वो कहते हैं जी चाउमीन खा लो। चाउमीन ना भाई हमें ना खानी चाउमीन। ऊपर से दीप्ति को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब कि इसकी लार वगैरह नहीं बन रही, इसका टेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे में ना ये हम माजा वगैरह ले लेते हैं ट्रैवल के दौरान, टूर के दौरान कोल्ड ड्रिंक हुई, माजा हुई। ये हमारे बराबर में लेफ्ट में भाई स्पीति नदी, थोड़ा सा आगे जाके इस नदी को पार करेंगे, फिर दूसरी तरफ आएंगे 8-10 किलोमीटर। अगर पीछे पुल बना देते तो इतना हमें चलना ना पड़ता, बट चलो कोई बात नहीं, रास्ते का मजा लो मजा। ये आ गया भाई पिन वैली जाने के लिए पुल। एक बार मैं ना पहले डिस्टेंस देखता हूँ कितनी है, मुद कितना है 34। अबे यार हैं यार, मैं सोच रहा था 20-25 किलोमीटर ही होगा। मुद तो यार बहुत दूर है, पहले फोटो खींच इसका। काजा है 16, सीधे अगर जाएंगे और लेफ्ट में मुद 34 किलोमीटर, यानी कि 34 34 68, 68 और 16 कितना होगा, 68 और 16 ये होगा 80-85 किलोमीटर के करीब होगा भाई। नहीं है तेल नहीं है भाई बाइक में, थोड़ी देर में रिजर्व लगने वाला है और 85 किलोमीटर ये कतई नहीं चलेगी। चलो भाई देखो भाई, मैं सोच रहा था 20-25 किलोमीटर होगा अपना, रिजर्व लगेगी तो 60-70 किलोमीटर चल जाएगी रिजर्व लगने के बाद। रिस्क है, चल तो जाएगी वैसे 80 किलोमीटर, लेकिन यार रिस्क है, रिस्क नहीं लेना। कादा चलते हैं, टंकी फुल करा के 1-2 दिन में आएंगे। सॉरी भाई, हम सुबह से ना पिन वैली कर रहे थे, सॉरी। रिजर्व लगने के बाद ये प्लेन में 100 किलोमीटर चल जाती है, प्लेन में, पहाड़ में तो 100 से कम ही चलेगी ना, भले ही एक तरफ की उतराई हो कुछ भी हो, रिस्की क्यों लेना। काजा चलो 16 किलोमीटर है, जाके बैठेंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे आराम से, बढ़िया बढ़िया खाएंगे कुछ काजा में अकोड़े पकोड़े। ये पहुंच गए भाई काजा, काजा 0 किलोमीटर, वाह वाह वाह। अपनी पसंद का कोई होम स्टे देखती चलिए, पहले जियो का नेटवर्क चेक कर लो, जियो का टावर होगा ना जहाँ पे उसी के आसपास ले होंगे। ऐसा है जी, अमन भाई ने बताया कि पेमा होम स्टे में चले जाओ। हमने भाई अमन भाई का ना यहाँ पे बहुत बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया होल्ड है, लेकिन दीप्ति की चलेगी फाइनली, तो फिलहाल हम पेमा की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले अगर कोई पसंद आ गया दीप्ति को तो भाई उसमें, अरे इसमें चलेंगे, ये तो पाठशाला है, नहीं इसमें नहीं जाना। नहीं स्कूल मुझे भी पसंद नहीं है, नहीं स्कूल मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है स्कूल में। तासी घी, ये तो घी फल है, घी भी खवाओगा फल भी खवाओगा। यहीं रुकूं, ताला लग रहा है भाई, देख लो रे, हम ना बिना बुकिंग के आए हैं और हम ऐसे ही ढूंढते हैं, और मिल जाएगा आराम से, अपने बजट में मिल जाएगा। अपना बजट तो भाई 500 से लेके 800 के बीच है कमरे का। इसमें चलना मिला रिप्पा, नहीं जाना भाई, दीप्ति बताएगी फिर भाई, मुझे करना है जाके मोल भाव। काकी, ये काकी, काकी लॉज में जाके देख, ये बताओ जियो आता है यहाँ पे, जियो जियो सही चलता है, ऐसा कमरा देख जिसमें जियो चलता है, ले मोबाइल ले जा अपना। भाई जियो चाहिए, कमरे के अंदर चलना चाहिए, ये नहीं कि छत पे चले जाओ। कमरे पसंद आ गए, जियो जियो सही चल रहा, देख ले कुछ डाउनलोड करके देख ले। मैं तो जा गया पहले, अब बात कर ले पैसे। कितने का? 1200 होना चाहिए भाई, 500। अच्छा चल बैठ जा। हाँ रूम देख देख, उसको जाके देख, वहाँ जाके देख देख देख, कितने का है, सस्ता दिखाओ जा देख का। जियो चेक करिए पहले,
भाई जियो चाहिए हमें पहले। हेलमेट नहीं लेके आ रही भाई, इसका मतलब बात हो गई पक्की। कितने का बता रहा है? 600। ठीक है 600 का तो ठीक है भाई। कौन सा है, क्या नाम है? नॉर्बलिंग, नॉर्बलिंग होटल एंड रेस्टोरेंट। भाई देखो 600 का कमरा मिल गया, बढ़िया कमरा है, अटैच बाथरूम है, गीजर है, गीजर ऑन कर दिया है। अबे हेल्प करवा दे कुछ। क्या? एक तो यार ये रेस्टोरेंट वाले लोग ना इतना लंबा चौड़ा मेनू बना देते, समझ नहीं आता क्या सेलेक्ट करें। दाल फ्राई, दाल मखनी, मिक्स वेज, मिक्स दाल, गोभी मसाला, कड़ी पनीर, कड़ी चौपड़ी, ये सब बन जाएंगे। जीरा, जीरा आलू सबसे सस्ता है, 100 रुपये का है। तेरा फेवरेट है ना? अबे ये सस्ता बोल सा। सबसे सस्ता है ये प्लेन पापड़। प्लेन पापड़ है भाई सबसे सस्ता। अपनी मर्जी से बना दो भाई, जो भी मन करे। अब दाल बना दो। ये मेनू वेनू होने ही नहीं चाहिए, होटल वालों को खुद कहना चाहिए। आओ जी आओ, और मेनू फेंको एक तरफ। देखो जी हम खिलाएंगे ये, जैसे हम ताबो में थे भाई, ताबो में वो होम स्टे वाला कहने लगा जी क्या खाओगे? अरे मगा छोड़ नू, बता क्या बनाओगे? के जी हम तो वो बना रहे हैं, वो बनाएंगे वो पीली लाल पीली सी दाल बनाओगे। मगा चल ठीक है। मगा और के कुछ नहीं, बस हमने अपने लिए जो है करेले बना रखे हैं, मगा थोड़े से हमें भी दे दे। ऐसे होता है काम भाई। हमें तो ना इसमें सबसे बढ़िया ये लगा, थैंक यू विजिट अगेन। कुछ भी समझ में ना आया, थैंक यू विजिट अगेन, भाग जाओ। चलो भाई ठीक है, हमारे लिए बन रही है दाल, पता नहीं कौन सी दाल, मुझे ना सारी दालें एक सी लगती हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के इस एपिसोड को ख़त्म। आज आ गए हम इमरजेंसी में तेल डलवाने, तो यहाँ से तेल डलवा के अब 2 दिन रुकेंगे यहाँ पर। जो आ गए तो ऐसे थोड़े कल को फिर पिन वैली चले जाएँ, या 2 दिन रुकेंगे उसके बाद जाएंगे पिन वैली। थोड़ा सा फालतू फालतू का चक्कर पड़ेगा हमारा, बट तेल भी डलवाना ज़रूरी था। और एक झंझट और भी है, जब काजा में ना लाइट नहीं होती तो यहाँ का जियो भाग जाता है। और जब से हम आए हैं भाई काजा में लाइट नहीं है बिल्कुल भी। ये इन्होंने इन्वर्टर पिनवर्टर चला रखा, लाइट नहीं है और हमारा गीजर भी नहीं चल रहा। गीजर नहीं चल रहा वो अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है बिल्कुल भी। अमन के होटल में लोग आते थे भाई गीजर नहीं चल रहा, लड़ पड़ते थे। अबे गीजर नहीं चल रहा अच्छी बात है, नाना कैंसिल। तो उसी के साथ करते हैं आज के इस एपिसोड को ख़त्म। कल जो है जहाँ भी चलेंगे वो आपको दिखा देंगे अगला एपिसोड। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लेना। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि जब नेट नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये क्या देख रही है? ये फेसबुक चला रही है। फेसबुक में नहीं, ना वो फेसबुक नहीं है, फेसबुक नहीं चल रहा वो, फेसबुक भगवान जी देख रही हूँ। देखो अपने भगवान जी देख रही है फेसबुक में। अब फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक एप्लीकेशन, मेरे फोन में फेसबुक एप्लीकेशन नहीं है। तो पुरानी लोड हुई पोस्टें वगैरह मिल जाती है, ये उन्हें स्क्रॉल कर करके देखती नहीं, रहती है। नहीं, नहीं, जब अपनी पोस्टों को देख लेती है फिर मेरा मोबाइल उठाती है, फिर मेरी पोस्टों को देखती है सबको। चलो भाई बाय बाय, राम राम, गुड नाइट, सो जाओ झूले।